हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहतर और कमाल की वीडियो में। दोस्तों आज की है वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको इन्फॉर्मेशन के साथ बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रूकॉलर अगर आप लोग चलाते हैं तो ट्रूकॉलर के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसे आप समझ करके बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बहुत से लोग तो ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को किसी अननोन नंबर की कॉल आती इसलिए डाउनलोड करके रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कुछ सेटिंग होती हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी दूसरे का नंबर लगाने से पहले एक कैसे पता लगा सकते हैं कि उस बंदे का जो नंबर है वो साइलेंट मोड में है या नहीं, फ़ोन साइलेंट है या नहीं, या फिर कॉल पर किसी की दूसरे की पे है तो नहीं, तभी वो आपका कॉल उठाएगा। ठीक है, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगा। और एक चीज़ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से व्हाट्सएप पे कोई आपको मैसेज करता है, आपका अननोन नंबर से मैसेज आता है, तो ट्रूकॉलर के अंदर एक ऐसी सेटिंग्स होती है वो आपको ऑन करनी है। आपको तुरंत ट्रूकॉलर वहाँ से डिडक्ट करके बता देगा कि इस व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। तो मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल यादव टेक्स में। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको यह वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं करता गया हूँ यहाँ से ट्रूकॉलर को ओपन कर देता हूँ। जैसे ही फ्रेंड मैं यहाँ से ट्रूकॉलर को ओपन करूँगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक पहली ट्रिक के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि दोस्तों मुझे इस नंबर पर अभी कॉल करनी है, ठीक है, तो हम ये पता लगाएंगे कि ये नंबर कहीं साइलेंट मोड में तो ये फ़ोन को नहीं रख दिया है, दूसरी चीज़ इस नंबर से कहीं बात तो नहीं चल रही है। ठीक है, इन दो मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं 1 मिनट पहले ये नंबर किसी व्यक्ति की कॉल पर था। अगर ये व्यक्ति की कॉल पर था, अगर यह नंबर किसी अभी इस समय किसी की कॉल पर होगा तो यहाँ पे ऑन कॉल का ऑप्शन आ जाएगा और एक सिंबल बन के आएगा कॉलिंग का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं नंबर बिजी है। दूसरा पॉइंट, यहाँ से अगर ये मोबाइल जिसका भी है, अगर वो मोबाइल साइलेंट मोड में होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ से मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं, तो ये साइलेंट मोड में अगर होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक साइलेंट मोड का जो सिंबल होता है वो बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि ये जो फ़ोन है वो साइलेंट मोड में हो है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट पहले ये जो नंबर है वो कॉलिंग पे था, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं दोस्तों आपको साइलेंट मोड की बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये नंबर जो है ये अभी साइलेंट मोड में है, 3 मिनट पहले किसी से कॉल पर बात की, उसके बाद ये जो नंबर है वो साइलेंट में डाल दिया है, यानी रिंग इसकी साइलेंट कर दी है, तो इस तरीके से ये सिंबल बन के आएगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइलेंट मोड में अगर फ़ोन होगा तो उस आपका नंबर नहीं उठाएगा वो लोग। ठीक है, क्योंकि फ़ोन रखा होगा, नंबर नहीं उठाएगा। तो आपको ये चीज़ जानकारी यहाँ से ट्रूकॉलर से ले लेनी है कि फ़ोन साइलेंट अभी में है या नहीं है, यहाँ से इस तरीके से आपको पता लगा सकते हैं। और अगर किसी का भी फ़ोन जो है वो अगर कॉलिंग वगैरह पर होगा तो ऑन कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर कई एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पहले भी वीडियो इस टॉपिक बनाता रहता हूं, फिर भी ये साइलेंट मोड का जो फीचर्स जो नया है जो नहीं मैंने वीडियो में बताया वो मैंने आज बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किसी को भी आप कॉल करोगे तो ऑन कॉल पर अगर होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो भी व्यस्त है, और नहीं होगा तो आपको इस तरीके से डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात होगी अब कॉलिंग की। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है नया नंबर से तो आप लोगों को पता नहीं चलता है कि किसी ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे या वो बताया नहीं उसने अपने नाम। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से पता लगा सकते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रूकॉलर के अंदर जाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल सी आपको यहाँ पर कॉल का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, तो कॉल वाले सेक्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। कॉल वाले सेक्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे कोई अननोन नंबर से आपको मैसेज करता है फॉर व्हाट्सएप पर,
तो आप लोग किस तरीके से उसका नाम पता लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर उसकी आईडी होती है बुक, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा कॉल आइडेंटिफिकेशन, ये वाला, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे वैसे तो ये व्हाट्सएप के लिए अलाउ था पहले, लेकिन अब ट्रू कॉलर की टीम ने इसे अदर एप्लीकेशन पे भी अलाउ कर दिया है, जैसे कि आइडेंटिफाई अनाउन नंबर ऑन व्हाट्सएप एंड अदर मैसेजिंग एप्स, जिसमें आपके मैसेज आते हैं उन सभी पे ये जो फीचर्स है वो अलाउड कर दिया गया है, जैसे कि आपका मैसेंजर हो गया और आपका व्हाट्सएप हो गया और भी जो मैसेज का थ्रू मेथड होता है वो हो गया, ठीक है। तो उनमें सभी का जो आइडेंटिफाई होता है वो ट्रू कॉलर उसका नाम आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। फिलहाल आपको करना क्या है, ये सेटिंग जो यहाँ पे दिख रही है इसे ऑन कर देना है। इसे जैसे ही आप लोग ऑन कर देंगे तो कोई भी बंदा अनाउन नंबर से मैसेज आपको करेगा तो उसकी आईडी पर जो नेम होगा वो आपको ट्रू कॉलर डिटेक्ट करने के बाद आपको बता देगा, ठीक है। तो इसे भी आपको ऑन रखना है, ये बहुत ही बेहतर फीचर ट्रू कॉलर के अंदर दिया गया है, ठीक है। वैसे तो ट्रू कॉलर की दोस्तों बहुत सारी ऐसी सेटिंग हैं जिसके थ्रू आप लोग कोई ना कोई चीज़ों को करते रहते हैं, बहुत सारी सेटिंग ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ट्रू कॉलर से रिकॉर्डिंग कई एक वीडियो बनाई है, फिर भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो भी चाहिए तब भी कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, उस आईडी पे जाकर के इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मैसेज करें, किसी भी मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन लेना है तो मैसेज करें, उस पर हम वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग से भी मैं वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल करता हूँ, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके रिकॉर्डिंग मैं वीडियो को बनाता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि आप भी घर बैठे दो चार पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ घंटी को जरूर आज सेलेक्ट कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, आप तक पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।